ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰ ਐਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥੋਪ ਦੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਥੋਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਰਤ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਾਰਟੀ। अंकल जी आपसे पूछना चाहूंगा, आगे वोट किसनों दोगे? जेजेपी को वोट देके देख लिया भरोसा तोड़ दिया है, बीजेपी ने अपना भरोसा तोड़ा है, आगे किसको दोगे? आगे वोट किनू देने? सी मचा दिया करेंगे, घरे में फूक दिया करेंगे, आग लगा दिया करेंगे, किसको देनी है? कौन सी सरकार आपके बीच से कोई नेता निकले जो आपकी बात करे? किसान के बेटे को वोट देंगे, आगे से वोट देंगे, जो भी किसान एक किसान को चुनेंगे और किसान को ही वोट डालेंगे हम। जैसे आपने कहा कि किसान के बेटे को वोट देंगे, दुष्यंत जो थे पावर में आने से पहले बोल रहे थे किसान का बेटा हूँ, ये किसान के बेटे नहीं है, ये राजनीतिक बेटे हैं, ये सब राजनीतिक लोग हैं, हम अपने बीच से कोई नेता चुनेंगे और उसको ही वोट डालेंगे। मतलब अगर बाद में कभी कोई गलत करे तो कॉलर पकड़ के पूछ सके कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो? वो अपना भाई होगा, अपने बीच से जाएगा, ये नहीं है कि राजनीतिक परिवार से होगा। और पूरे हरियाणा में यही लहर हम लेके आएंगे। कौन से गाँव से आए हो? मैं टोहाना से आया हूँ। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से बिल नुकसान करने वाला है? बिल तो नुकसान ये करने वाला है कि जो मंडी सिस्टम हमारा धीरे धीरे खत्म करेगा, जैसे इन्होंने HMT को खत्म किया, जो 1953 में बनी मंगलूर में उसका हेडक्वार्टर लगा, उसके बाद 1963 में जो पिंजौर में हमारा कारखाना लगा, जो ट्रैक्टर को किसान को 1.5 से 2 लाख रुपए में मिलता था सेम हाउस पावर का, उसके बाद हमारे हाथ में जब इन्होंने जॉन डियर सोनाली का 850 में फोर्ड के ट्रैक्टर दे दिए, वो कितने लाख के? 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, किसान की जमीन भी बिकाऊ। उसके बाद HMT पिंजौर ने 2016 में बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि किसान को सस्ता ट्रैक्टर प्रोवाइड हो रहा था, वो सरकार की एक नीति है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और दूं तो BSNL इन्होंने बंद कर दिया। BSNL आज वेंटिलेटर पे है, BSNL आज वेंटिलेटर पे है, मतलब BSNL को तब तक बंद किया जब तक कि दूसरी कंपनियां उसके बराबर खड़ी नहीं होगी। 10 साल तक जब तक उनको टैक्स फ्री किया, और जियो ने फ्री में दिया, 49 में दिया, 199 में दिया, 399 में दिया, 599 में तीसरा पहुंच चुका है। मतलब जब तक वो सरकार को टैक्स पे नहीं कर पाती तब तक उनको फ्री रखा। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जब वो BSNL बिल्कुल ठप होगी उन कंपनी आप पागी। यही सिस्टम मंडी के साथ होने वाला है कि हम कह रहे हैं कि MSP क्या चीज है? MSP किसान खुद छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? मजबूर कर देंगे किसान को छोड़ने पे। कैसे करेंगे छोड़ने पे? मतलब कि अगर आपको MSP का रेट मंडी में मिल रहा है, आपको प्राइवेट मंडी में 200 रुपए फालतू 300 रुपए का फालतू रेट मिल रहा है, तो किसान कितना टाइम आड़ती के पास रुकेगा? 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, कब सबर का बांध टूटेगा ना उसका? मतलब क्या होएगा, पहले बाहर जो प्राइवेट मंडी है वहाँ पे ज्यादा रेट मिलेगा और उसके बाद फिर वो मन मर्जी का रेट देंगे। मतलब जब तक अब टैक्स फ्री कर दिया उनको प्राइवेट मंडियों को, जब तक प्राइवेट मंडियां खड़ी नहीं हो जाएगी, जब तक उसको 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, जब वो अप हो गई, इनको BSNL की तरह HMT की तरह डाउन कर दिया, तब वो अपनी मन मर्जी का रेट देंगे। आज बिहार का हाल आप देख सकते हो, यूपी में आप हाल आप देख सकते हो, अब जो बंगाल से हमारे यहाँ पे मंगाते हैं, छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा चावल हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, तो महाराष्ट्र में खेती होती है, आसाम में चाय होती है, केरला में, कर्नाटका में काजू होता है। वहाँ पे जो फल फ्रूट का जो सिस्टम चलाया उन्होंने, MSP खत्म करके जो इन्होंने ओपन मार्केट की, वो क्या चीज है? आज किसान रो रहे हैं, 10 एकड़ वाला बिहार का किसान हमारे यहाँ के 2 एकड़ वालों के आके धान लगा रहा है, क्या हम धान लगाने जाएंगे पश्चिम बंगाल में? नहीं जाने वाले, हम सरकार की गर्दन पे गोटा टिकाने के लिए आतुर है। पहले 1938 में ना जब सर छोटू राम थे, पहले ओपन मार्केट ही थी, किसानों को शाहूकार लूट लेते थे, अब हौली हौली धीरे धीरे सर छोटू राम ने मंडी व्यवस्था बनाई। मार्केट कमेटी का रिकॉर्ड अगर किसी आर्थ के और किसान में डिस्प्यूट हो जाता था, मार्केट कमेटी का रिकॉर्ड अगर किसान के कोर्ट में हक में भुगत जाता था ना, तो किसान की जीत होती थी। अब तो कोर्ट भी नहीं जा सकते, 164 रुपये कमांटल मार्केट फीस लगती है, अगर किसान का चोट लग जाती थी वो ही मार्केट कमेटी से मिल जाता था। जब 64 रुपये बद दे के किसान की फसल खरीदी जाए, किसान उसके भागेगा? साल 6 महीने मार्केट कमेटी को कह देने, जो चिट्टा हाथी है इसे बंद कर दियो, क्योंकि किसान हमारा भोला है। जे ओपन मार्केट 1938 हौली हौली सर छोटू राम ने मंडियां बनाई, भी सरकार का किसान का रिकॉर्ड रहे सर, एक जब मंडियां टूट जाएंगे किसान नाम का वजूद ही खत्म हो जाएगा। अगर किसी अर्थ के साथ डिस्प्यूट हो जाता था, मार्केट कमेटी का रिकॉर्ड उस किसान के जे फार्म हक में भुगत जाता था, तो किसान की जीत हो जाती थी। अब जो जे सरकार पहले जैसा सिस्टम करना चाहती है, जो 1938 से पहले था, वही बोला से लूट लेते थे बड़े बड़े शाहूकार, क्योंकि पहले ब्याज में देंगे कंपनियां पैसे, जब
कोई भी किसान ला लो जिसके ऊपर ब्याज ज्यादा, पहले छोटे में गए तो गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले पैसे दे दिए, वो जेब में रहेगा, अपनी सस्ते में ले जाएगा। एक मिनट, जे कृषि मंत्री ने किसान का बेटा जे बिल अडवाणी ने तैयार कराया, उसने नहीं तैयार किया, वो कहते हैं मनचाही कीमत में बेचेगा। क्या गारंटी है कि किसान को मनचाही कीमत मिलेगी? 4700 रुपया बिक रहा है नरमा अजमान साहब काला वाली साहब में, 1200 रुपया चकाई पड़ती है, कहाँ मिल रहा है 3800? किसान तो चाहता है भी मुझे जो किसान सरकार ने ही रखा है 5700 वो ही मिल जाए, मनचाही की तो बात दूर है। सत श्री अकाल जी, सब तो पहला असं थोड़े चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। असं कहने जिमें कहते हैं जी भी किसान आपका ये मन चाह लै सकता, तुम ये ला लो भी कणक का रेट 1900 रुपया, अच्छा का सरकारी रेट 1900-1950 रुपया, 1600 रुपया कणक बिकी जाती है। यह अध्यादेश मन जे किसान जोड़े आए इतने, ये किसान के खिलाफ है जी, मजदूर के खिलाफ, हर 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 वर्ग के खिलाफ है जी, यदा इसलिए इन्ने किसान इतने कट्ठे हुए विरोध कर रहे हैं। ये विरोध है हो रहा भी दुशांत चौटाला, जो दुशांत चौटाला किसानों के हक की गल करता, एक दिन पार्लीमेंट के ट्रैक्टर लेके जाता किसानों की गल करता, अज मोदी की बुकल के बह गया जाके, अज बोलता कुछ, अज किसानों के हक की गल करे ना, अज किसानों को अज किसानों पूरे रेटा की गल, मंडिया का बुरा हाल कराता जी इन्होंने, बहुत असं इन्हों का बहुत खिलाफ करते हैं। चलिए शुक्रिया सर।